आया गुस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। शिमला के विधायक और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की जुबान फिसल गई। उन्होंने भाजपा नेत्री पर विवादित बयान दे दिया जिससे वे चारों तरफ से घिर गए। हालांकि वक्त की नजाकत को देखते हुए विधायक ने माफी मांगकर पिंड छुड़ाने की कोशिश की, पर अब वह इस मसले पर घिरते नजर आ रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के तेवर तल्ख हो गए हैं। क्या कहा सीएम ने अफसरों को और क्यों आई ऐसी नौबत? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल में बड़ा बवाल, सियासत की बात है राजेश, बवाल रोज होते हैं लेकिन आज जो बवाल हुआ है कुछ ज्यादा हो गया है। क्या बोल गए आज विधायक विक्रमादित्य सिंह? जी बिल्कुल, देखिए शिमला के ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह का एक बयान बड़ा सुर्खियों में अग्निहोत्री जी आज है और इसी पे आज ये बवाल हुआ है। पहले बयान पे आते हैं जो उन्होंने रोहडू की एक भाजपा महिला नेत्री को लेकर एक बयान उन्होंने दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने ये कहा कि रोहडू की एक महिला जो नेत्री है जो भाजपा की तथा कथित नेत्री रोहडू में बनी हुई है, ठेकेदारों की गोद में बैठी हुई है। अब जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया, सोशल मीडिया पे ये बयान घूमा, उसके बाद से हिमाचल में एक तरह से बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा ने विधायक की भाषा पे टिप्पणी एक तरह से कर दी है, जिस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल विक्रमादित्य सिंह ने किया उस पे सवाल बीजेपी ने खड़े कर दिए हैं और फिर माफी मांगने तक उन्होंने एक तरह से उनसे कहा था कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे, विरोध पार्टी इसका करने जा रही थी और कायदा FIR तक दर्ज करने की धमकी विधायक को भाजपा ने दे दी थी। अब इसी का असर अगर हम देखें तो एक तरह से धरनों की धमकी भी हुई थी और इस जिस तरह का ये बयान आया था उसके बाद का जिस तरह का माहौल पैदा हो गया, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। उन्होंने जो बयान दिया था वो एक वहां जो नेता थे उनके कंसर्न में एक बयान दिया गया था, लेकिन कमोवेश वहां का जो भाजपा की जो लीडरशिप है वो महिला नेत्री के हाथ में है तो इसीलिए वो संदर्भ उनका जुड़ गया, बाकी उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। सार्वजनिक रूप से विधायक विक्रमा सिंह ने इस पे माफी हालांकि मांग ली है, लेकिन विवाद एक तरह से खड़ा हो गया, भाषा को महिलाओं को लेकर उनकी टिप्पणी को लेकर ये आज विवाद हिमाचल में खड़ा हो गया। अग्निहोत्री जी। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। देखिए बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है नेता होना, सही है ना जी, और विक्रमादित्य सिंह का कद बहुत बड़ा है उस तरह से सियासत में पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण। जाहिर है जब उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद बवाल तो मचना ही था। हालांकि उनकी माफी में उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर यही उनका शायद अर्थ ये था कि अगर ये कहीं वहां पे महिला के बजाय कोई नेता पुरुष होते तो शायद इसमें बवाल नहीं मचता। यही महीन लाइन होती है जहां पे पॉलिटिशियंस को की जिम्मेदारी और भी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि चुनाव नजदीक है तो बवाल तो बने। हाँ, विपक्ष ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना भाषा है, ये भी कहा कि जिस तरह ठेकेदारों के बारे में उन्होंने कहा कि हम जांच करवाएंगे उसको लेकर एरोगेंसी की भी बात कही गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही हुई कि विक्रमादित्य सिंह ने बाद में माफी मांग ली और हालांकि फिर भी उन्होंने ये कहा कि मैं तो माफी मांग रहा हूं लेकिन क्या भाजपा के लोग भी इस दिशा में बढ़ते हैं? राजेश, तो राजेश इसमें वही बात आ रही है एक तरह से कि जैसे कांग्रेस को लेके खासकर भाजपा के भी बयान आते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेताओं को लेके जुबान फिसलना ही कहेंगे ऐसी जैसी बहुत चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, तो इससे थोड़ा सा एक तरह से कंफ्यूजन तो फैल ही रहा है। क्या लगता है आपको कांग्रेस के नेताओं को, सभी तरह के नेताओं को थोड़ा इसमें थोड़ा और होमवर्क करने की बात करनी चाहिए या थोड़ा सा इलेक्शन का टाइम है, जनसभा का माहौल होता है तो वहाँ थोड़ा सा काम डाउन रहने की? बिल्कुल, देखिए संयम राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण चीज अग्निहोत्री जी। इससे पहले अगर हम बयानों को देखें तो विक्रमादित्य सिंह पहले भी बयान देते रहे या उससे पहले अगर हम बात करें तो चंद रोज पहले प्रतिभा सिंह का बयान सुर्खियों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आया था। इसके अलावा भी कुछ और बयान थे जिसमें सीधे तौर पे भाषा पे आपत्ति जताई गई थी। साथ ही साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हिमाचल प्रदेश के हैं जहां संयमित होने की जरूरत है। अगर किसी जनसभा में भीड़ को देखकर नेता उत्साहित हो रहा है या अपने समय को देखकर आने वाले दौर को देखकर उत्साहित हो रहा है तो संयमित होना
बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक जीवन में जब हैं तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जी बिल्कुल सही है। और जब इलेक्शन ईयर में हूँ आप, और खासकर जब महीने ही कुछ बचे हैं, तो छोटे से छोटा मामला बड़ा बनाने की कोशिश तो होगी ही होगी। बिल्कुल। अच्छा राजेश, चलिए कुछ और अपडेट होगा, हमने ये बता दिया आपको, इस पर लेटेस्ट अपडेट है राजेश। जैसे आपने बताया विक्रमादित्य सिंह ने बाकायदा एक बयान, सार्वजनिक बयान, वीडियो जारी किया है और उसमें उन्होंने माफी मांगी है इन शब्दों के लिए। उन्होंने बताया भी है कि उनकी मंशा क्या थी। राजेश आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब सॉफ्ट इमेज के लिए जाने जाते हैं, भद्रपुरुष कहे जाते हैं, लेकिन अब लग रहा है ऐसे कि जैसे ये ना थोड़ा जो आक्रोश में आए हैं ये, और उनकी उस आक्रोश की वजह से जो भाजपा का उत्साह, कांग्रेस का उत्साह है, उस पर थोड़ा पानी भी पड़ा होगा। हम क्यों कह रहे हैं ये बात राजेश, चार्जशीट को लेके मुख्यमंत्री ने, जो कि कांग्रेस तैयार करे, बाकायदा कमेटी बनी हुई है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है, और इस बार बयान जो है बहुत सख्त है मुख्यमंत्री का। बिल्कुल। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने अगर चार्जशीट कांग्रेस सौंपती है तो? बिल्कुल सही है। देखिए चार्जशीट के अगर हम बहाने देखें, कांग्रेस चार्जशीट ला क्यों रही है, पहले हम इस चीज को देखते हैं। कांग्रेस चार्जशीट इसीलिए ला रही है ताकि वो दबाव में सरकार को लाए और जनता को संदेश एक तरह से दे दे कि इस सरकार के दौर में सिर्फ घोटाले, भ्रष्टाचार और बाकी कामों को लेकर कुछ विकास की कोई बात नहीं हुई है। इसीलिए तमाम जो 11 में से 10 मंत्रियों को लेकर अगर कांग्रेस आरोपी बना के चार्जशीट में ला रही है तो दबाव की पॉलिटिक्स कांग्रेस यहां खेल रही है। सीएम ने उनके जिस तरह का शॉट कांग्रेस ने मारा है उस पे एक मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री पे दहला उन्होंने भी खेल दिया। उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन कांग्रेस भाजपा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाएगी उसी दिन हिमाचल प्रदेश सरकार, उनके पास जो कांग्रेस की चार्जशीट पड़ी हुई है, उसको आधार बनाकर कांग्रेस नेताओं पे केस दर्ज करवाएगी। और कुछ मसले ऐसे हैं, कुछ गंभीर मसले ऐसे हैं जिन मसलों को लेकर सरकार विजिलेंस जांच तक करवाने से भी परहेज नहीं करेगी। सीबीआई की भी उन्होंने इसमें बात की है। जे जे। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें अग्निहोत्री अब जिस तरह की ये चार्जशीट अगर आती है या नहीं आती अब ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आरोपी नेताओं को अगर बनाया जा रहा है या आरोपी बनाने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर जो चुनावी साल में अब चार्जशीट का खेल हिमाचल प्रदेश में चल पड़ा है, मसला साफ है, वोटिंग चुनाव पास आ रहा है। चुनाव पास आ रहा है। और साथ ही साथ देखिए अब ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया राजेश, हमने पहले भी एक दिन चर्चा की थी कि क्या कांग्रेस ये चार्जशीट लाएगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए अगर ऐसा होता है तो ट्रैफिक दो तरफा होगा। अच्छा राजेश एक और चीज कही मुख्यमंत्री ने, जो शायद मुख्यमंत्री कहना चाहते थे इस बयान के माध्यम से, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है वो हिमाचल में ना हो, बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए जो अतीत में होती रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हमने कोशिश करके देख ली, लेकिन कांग्रेस शायद ऐसा नहीं चाहती है, बदले की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए अब शायद मुख्यमंत्री का ये कहना था कि मुझे खुल के बात कहनी पड़ी। कितना सहमत है आप और बदलाव की राजनीति को लेकर जो मुख्यमंत्री ने इशारा दिया है, क्या वो हिमाचल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जनता क्या समझती है इस बारे? बिल्कुल देखिए जनता की तो मांग एक ही है अग्निहोत्री जी की, पॉलिटिकल वेंडाटा जिस तरह का है, बदले की राजनीति जो है ये नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति प्रदेश में हो तो ज्यादा बेहतर है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है उसमें दो चीजों का श्रेय वर्तमान सरकार को जाता है। पहला कि सरकार ने इस जो जयराम सरकार है इन्होंने इस सरकार में कम से कम क्षेत्रवाद खत्म हुआ है। पहले कांग्रेस आती थी तो ऊपर के हिमाचल की बात होती थी, भारतीय पार्टी की सरकार आती थी तो निचले हिमाचल के विकास की बातें होती थी। कम से कम इस दौर में क्षेत्रवाद की राजनीति को वर्तमान सरकार ने कोई जगह नहीं दी है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज यही है जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा कि बदले की भावना से कम सरकार ने कोई केस आज तक इस तरह से ओपन नहीं किया जिसमें साफ नजर आ रहा हो कि माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सरकार ने कोई केस रीओपन किया हो। पहले हम देखते रहे, इतिहास देखते रहे हिमाचल का, तो चुनावों के दौरान इस तरह की चीजें चल पड़ती थी, लेकिन दो चीजों में श्रेय जाता है। अब जिस तरह का संदेश है कि कांग्रेस जिस तरह से चार्जशीट लाने की बात कर रही है उसी को संदर्भ बनाकर, उसी को आधार बनाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बयान दिया है जिसमें कांग्रेस को अगर हम कहें तो एक नसीहत है कि चुनाव है तो चुनावों में भावनाओं में ना बह जाए, आरोप बिना मतलब के ना लगाए। अब देखना यही होगा राजेश कि कांग्रेस इस चीज को कैसे लेती है और आगे किस तरह से बढ़ती है। आपने सही कहा कि देखिए चाहे पहले की सरकारों में ऊपर या नीचे का भेदभाव होता हो या ना होता हो, चर्चा होती थी। हाँ, सही आपकी बात सही है कि वर्तमान सरकार में वो चर्चा नहीं हुई, वो एक तरह से बातें उठी नहीं है, उस तरह हिमाचल का स्वभाव भी बन गया हुआ। सही है। अच्छा राजेश हमने मुख्यमंत्री साहब की बात कर ली, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री साहब उनका भी बयान आया है। सही है।
मुकेश अग्निहोत्री साहब का कहना है, वही बात वहीं से शुरू होती है उनकी, कि भाजपा सरकार जो है वो डूबता हुआ जहाज है। बिल्कुल यहीं से शुरू करते हैं राजेश। काफी लंबे समय से उन्होंने ये स्टांस रखा हुआ है सरकार के खिलाफ, और ये बड़ा गहरा हमला भी है अगर देखा जाए, जोरदार हमला भी होता है ये। साथ ही साथ उन्होंने अफसरशाही का एक तरह से जिक्र कर दिया है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री या सरकार और अफसरशाही में ज्यादा बन नहीं रही है, तालमेल नहीं है। इसका क्या इशारा है, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल सही है। देखिए जो उन्होंने कहा है, सीएलपी लीडर एक तो अपने तर्कशीलता के लिए जाने जाते हैं और दूसरी जिस तरह की विवेकशीलता या बयान जिसके सामने आते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। कई दिनों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनमें शब्दबाण एक तरह से चल रहे हैं। मायने अगर हम इसके देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो मुकेश अग्निहोत्री लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं, दरअसल एक माहौल वो तैयार कर रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है ये वर्तमान सरकार सत्ता से जा रही है और प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का उदय हो रहा है, कांग्रेस फिर से वापस सत्ता में आ रही है। चीफ सेक्रेटरी बदलने को लेकर शायद उन्होंने आधार बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, और सत्ता की वापसी का यह संदेश लोगों को दे रही है। दूसरा जो इनका एक आधार है, जो जिस तरह की मुकेश अग्निहोत्री बातें कर रहे हैं, वही है कि कांग्रेस सरकार पे दबाव बनाना चाहती है और दबाव में या हड़बड़ाहट में सरकार कोई ऐसे फैसले ले ले जिसको जनता सिरे से खारिज कर दे, इसीलिए उनका यह आधार रहा है। तीसरे उन्होंने सवाल बड़े तीखे सरकार से कर दिए हैं कि हिमाचल सरकार, ये वर्तमान सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसमें सातवां सीएस या चीफ सेक्रेटरी सात इस सरकार में बन चुके हैं, छह हटा दिए गए हैं, दो का कार्यकाल पूरा हुआ, चार अपना कार्यकाल पूरा तक नहीं कर पाए, डीजीपी प्रदेश से बाहर जाने की इच्छा जता रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अफसर सरकार को इसलिए छोड़ रहे हैं कि अफसरों को पता चल गया है कि सरकार सत्ता से जाने वाली है, कांग्रेस सत्ता में वापसी करने वाली है, सत्ता में आने वाली है। ये उनके बयान का आधार है। पॉलिटिक्स दबाव की राजनीति एक तरह से उन्होंने शुरू कर दी है। जी जी राजेश, बड़ी बात पता क्या है, ये बयान काफी, जैसे पहले हमने चर्चा की कि बड़ा जोरदार बयान है, इससे एक तरह से माहौल बनता है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है, अफसर शाही से ये कहा है कि आप राजनीतिक चीजों में ना उलझे। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति, उन्होंने शायद मिशन रिपीट की तरह भी इशारा किया है, देखिए कॉन्फिडेंस उनका, और उन्होंने कहा है कि आप इस तरफ ना उलझे, अपने काम से काम रखें, जनता के काम आप वैसे ही करते रहे जैसे शुरू से करते आ रहे, बल्कि और जोर से करें। बिल्कुल, क्या क्या राय है आपकी? बिल्कुल सही है। देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिशन रिपीट को लेकर कह लीजिए या रिवाज बदलने को लेकर कह लीजिए, पहले दिन से एक तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अग्निहोत्री जी, वो तो बड़े दिनों से दावा कर रहे हैं। अब दूसरा उन्होंने जो जिस तरह का आज कहा है कि मुख्य सचिव को लेकर जिस तरह का माहौल हिमाचल प्रदेश में चल पड़ा, सरकार से सवाल होने लगे, उनसे भी सवाल पूछे गए, तो उन्होंने जिस तरह से कहा है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से संदेश साफ कर दिया है कि अफसरों का काम प्रदेश के विकास की बात करना है, प्रदेश के विकास के लिए काम करना है, ना कि पॉलिटिक्स करना। संदेश उनका साफ है कि जो सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है आप उस जिम्मेदारी को निभाइए। दरअसल इसके पीछे की वजह अगर हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कुछ सरकार को शिकायतें मिली थी कि कुछ अफसर ऐसा या तो सरकार के आदेश नहीं मान रहे, मंत्रियों के आदेश तक नहीं माने जा रहे थे, विकास के कार्यों को लेकर यह मैसेज दिया जा रहा था कि चंद दिनों की सरकार ये मेहमान है, आने वाले दिनों में सरकार बदलने वाली है। उन्हीं अफसरों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तरह से चेतावनी दी है कि आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, वहां रिवाज बदला है, सरकारें नहीं बदली, सरकारें जब रिपीट हुई लेकिन ऐसा माहौल सचिवालय में पैदा करने वाले अफसरों की फिर बाद में क्या हालत हुई, उस तरह की हालत हिमाचल प्रदेश के अफसरों की ना हो, इसलिए समय रहते खुद को बदल लें और जो सरकार ने विकास की काम की जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, राजनीति अफसर कम से कम ना करें। जी जी, देखिए अफसर शाही पर ऐसा लगता है कि दबाव दो तरफा है। मुख्यमंत्री साहब का शायद यहाँ पे ये कहना है कि जैसे विपक्ष कह रहा है कि डूबता जहाज है जी, हाँ, है ना, तो उन्होंने अफसरों को समझाया भी है शायद और एक तरह से चेताया भी है कि देखिए डूबता जहाज नहीं है, हम मिशन रिपीट कर करेंगे। तभी उन्होंने यूपी और उत्तराखंड का हवाला भी दिया है। देखिए आप देखते हैं कि कैसे चीजें सामने आती हैं और कैसे अफसरशाही अगले आने वाले समय में, क्योंकि अफसरों के हाथ में बहुत ताकत होती है राजेश, कोई भी चीज है वो इंप्लीमेंट तो उन्होंने ही करवानी होती है, जो अभी तक तो देखिए बिल्कुल ठीक हो रहा है ऐसा आम आदमी का मानना है। आम आदमी की बात की राजेश, तो आम आदमी पार्टी की बात भी कर लेते हैं। आज आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता हैं, उनमें से एक संस्थापक लोगों में कहे जाते हैं, उन्होंने आज थाम लिया दामन कांग्रेस का। जी
ये उल्टी गंगा कैसे बहने लग पड़ी राजेश? उम्मीदें तो इससे एकदम से विपरीत थी कि भाजपा और कांग्रेस के लोग टूट के आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे, यहाँ तो संस्थापक सदस्य ही छोड़ के जा रहे हैं। ये क्या क्या कहेंगे आप, अपडेट क्या है ये? सही है, देखिए आम आदमी पार्टी के ये एक तरह से आज जोर का झटका लगा गृहमंत्री जी, और हमीरपुर में आम आदमी पार्टी के ये जो संस्थापक सदस्यों में से एक है निक्का सिंह, और ये पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी के रह चुके हैं एक वक्त में, और दूसरे हैं इनके मीडिया प्रभारी या सचिव भी रह चुके हैं पार्टी के शीशपाल सकलानी। दोनों ने आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कह के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाकायदा इनको कांग्रेस का मेंबर बनाया। और उल्टी गंगा जहां तक बहने का प्रश्न आपने किया है, तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उतरी थी, उसके बाद पार्टी के लिए विकट परिस्थितियां पैदा क्यों होगी, इसकी पोल आज इन दोनों ने हमीरपुर में खोल दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बाकायदा, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं जहां आम आदमी पार्टी को यह कहा गया कि दिल्ली का दखल पार्टी पे बहुत ज्यादा है, लोकल जो बॉडी है हिमाचल प्रदेश की जो बॉडी है उसकी बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है, कार्यकर्ताओं की पार्टी में कोई पूछ नहीं है, पार्टी को हिमाचल के मुद्दों का पता नहीं है, और चर्चित चेहरा पार्टी के साथ कोई है नहीं, कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है, दोनों में तालमेल बिल्कुल कहीं भी नहीं है, बिल्कुल इन्होंने हर चीज को बड़ी बारीकी के साथ विस्तार के साथ वहां जो कहा जा सकता था कहा है, उन्होंने पूरे जो आम आदमी पार्टी की कमियां है उसका पूरा आज कच्चा चिट्ठा हमीरपुर में खोल के रख दिया है कि इसीलिए उल्टी गंगा बह रही है आम आदमी पार्टी के लिहाज से, वो भी चुनावों के पास आते वक्त। जी जी बिल्कुल सही बात है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है राजेश। उम्मीद तो उल्टी थी, देखिए सही बात है, उल्टी गंगा वाली ही बात हो गई है। अच्छा राजेश, एक मेरा आपसे ये है, पहले तो ये एक मैं थोड़ी सी एक टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए इस घटनाक्रम में क्या लग रहा है, हमीरपुर केंद्रित जो भी चीजें हो रही है ना कांग्रेस में, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं जी, मतलब वो एक तरह से कांग्रेस के लिए जिला को लीड करने लगे हैं। अब शायद यही वो चाहेंगे कि बाकी जिलों से भी हो, है ना जी? अब ये देखना है ना, हाँ हाँ, ये अब देखना होगा कि ये कैसे आगे बढ़ती हैं चीजें। अंतिम प्रश्न मेरा राजेश जल्दी से जी, भाजपा विधायक दल की मीटिंग अभी शायद चली हुई है, कुछ अपडेट आई है क्या वहाँ? बिल्कुल, देखिए विधायक दल की बैठक चली है अग्निहोत्री जी, और जिस तरह की बैठक है वो राष्ट्रपति जो चुनाव होंगे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के विधायक या भाजपा के विधायक जिस तरह की वोटिंग करेंगे उसको लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक शिमला में चल रही है। अभी बैठक का दौर जारी है, इनपुट अभी सिर्फ इसी पे इतना है कि चर्चा चुनावों को लेकर होने के साथ साथ आने वाले जो जिस तरह के मुद्दे होंगे उनको लेकर होगी, परेशानियां हैं उन पे भी चर्चा हिमाचल प्रदेश में हो रही है, पार्टी आलाकमान की जिस तरह की नीतियां हैं या जो संदेश दिल्ली से आया उसको लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा अभी चल रही है। जी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, जैसे ही होगा वैसे वोट राजेश परसों डालेंगे जी, बिल्कुल 18।